हाय, मैं शिवमन चंदा। मेरी कंपनी नेम इज़ लेटेस्ट इंटीरियर्स। मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ। दिस इज़ वन ऑफ माई साइट, दिस इज़ इन ग्रीन पार्क। एंड हम 2012 से इंटीरियर्स के ट्रेड में हैं। वी हैड डन मल्टीपल प्रोडक्ट्स और ये मेरा एक प्रोजेक्ट है जो बिल्कुल कंप्लीट है। विद इन 2 डेज मेरे क्लाइंट्स ने आना है, रादर हमारे ब्लाइंड्स एंड कर्टन्स आर पेंडिंग, बट हमने ये सोचा कि आप लोगों को पहले एक बार दिखा दें, बिकॉज दीज आर द कोरोना डेज, आप समझते हैं। तो आइए मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ और आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर करता हूँ। इफ़ यू कैन सी, ये ड्राइंग और डाइनिंग रूम है। आप यहाँ आके देखें तो दिस इज़ द इटालियन मार्बल सेंटर टेबल हमने जो बनाया है। इसके ऊपर जो पॉलिश है, दिस इज़ द पॉलिस्टर पॉलिश। एंड यहाँ पे वी हैड यूज दीज हैंगिंग लाइटनिंग, और हैंगिंग लाइटनिंग के साथ अगर आप देखें तो वी हैव अ सिक्योरिटी कैमरा ऑन द टॉप। तो इस सिक्योरिटी कैमरे से वी कैन लाइक सी डायरेक्टली आ कौन रहा है रूम में। और दिस इज अ 3 सीटर सोफ़ा जो हमने यूज़ किया है, एंड दिस इज़ अ 2 सीटर सोफ़ा। जहाँ पे मैं आया पहले वहाँ पे 2 सिंगल चेयर्स थी, तो दिस इज अ कम्फर्टेबल सिटिंग। इस तरफ अगर आप देखें तो दिस इज़ LCD पैनल कम्प्लीट। इस LCD पैनल के ऊपर वी हैड यूज वीनियर के साथ में दिस इज़ अ मैट पॉलिश। ये जो LCD रनर है, अगेन इसका टॉप इटालियन मार्बल टॉप का है। इटालियन मार्बल के ऊपर हमने पॉलिस्टर पॉलिश करी है। इसके साथ में बालकनी अटैच है। प्लीज़ कम, मैं आपको बालकनी शो करता हूँ। दिस इज़ अ मेन रनिंग बालकनी टू सी द व्यू ऑफ द हाउस। अगर आप देखें अभी यहाँ पे, जैसे मैंने बोला अभी यहाँ पे काम चल रहा है, वी आर गोइंग टू मेक अ गार्डन ओवर हियर। अभी हमने फ़िलहाल के लिए थोड़ी सी सेटिंग बनाई है कि हम खुद आएँ और बैठ सकें क्लाइंट के साथ। एंड दिस इज़ अ बिग बालकनी, दिस साइज़ इज़ समवेयर अराउंड 5 feet by 30 feet, तो अच्छा साइज़ है हमारा। एंड ये ड्राइंग रूम के साथ और उस वाले बेडरूम के साथ अटैच बालकनी है। इसके 2 एंट्रेंस हैं। यहाँ पे ये जो आपने डिज़ाइन देखा मेरा वॉल का, इस पर्टिकुलर वॉल के ऊपर वी हैड यूज 5 टाइप ऑफ डिज़ाइंस। सबसे पहले हमने वुडन पैनलिंग करी, वाटरप्रूफिंग करी वॉल की। वाटरप्रूफिंग के बाद वी हैड यूज ग्लास एक्रेलिक के साथ में यू कैन सी वी हैड यूज स्टेनलेस स्टील यू प्रोफाइल्स ओवर हियर। दीज आर द लूवर्स जो हमने लिए। लूवर्स के साथ में वी हैड मेड दिस पर्टिकुलर थिंग विच यू आर सीइंग, दिस इज अ बिल्डिंग पिलर। आप देखते हैं कई बार पिलर्स की वजह से पिलर डजंट लुक नाइस, तो टू हाइड द पिलर एंड मेक इट ब्यूटिफुल हमने ये वाला डिज़ाइन यूज़ किया। पिलर की डेप्थ बहुत ज़्यादा थी, फॉर टू कवर दैट एंड टू मेक दिस अ ब्यूटिफुल थिंग हमने यहाँ पे एक स्टोरेज कैबिनेट तैयार किया। दिस स्टोरेज कैबिनेट इज़ नॉट फॉर दैट स्टोरेज थिंग, दिस इज़ आर्टिफैक्ट टावर। यहाँ पे आपके शो पीसेस वगैरह आ जाएंगे। जैसे मैंने बोला आपको अभी इस एंट्रेंस के ऊपर कि 2 दिन में क्लाइंट में आना है और कोरोना डेज हैं, अभी आर्टिफैक्ट्स यहाँ के रहते हैं, तो जैसे ही आर्टिफैक्ट्स आ जाएंगे वो भी कम्प्लीट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ यहाँ पे हमारे पास एक स्टोरेज वैनिटी है, पूरा का पूरा कंसोल कैबिनेट है। ये स्टोरेज कंसोल 5 feet by 3 feet का है। इसके अंदर वी हैड यूज क्रॉकरी स्टोरेज, हमने इसके अंदर जो यूज़ किया था। अगर आप यहाँ देखें मेरे पीछे मेरे वॉल, इस वॉल पे वी हैड यूज वॉलपेपर हमने डी डेकोर से और निल्या से परचेज़ करे हैं, जितने भी परचेज़ करे हैं। निलाया एशियन का है और डी डेकोर तो आई थिंक आप लोगों को पता ही है। एंड वॉलपेपर के ऊपर वी हैड यूज दिस 5 feet शैंडलियर। अगर आप देखें वॉल पे, दिस इज़ नॉट अ स्पेस ऑफ अ शैंडलियर, तो हमें ऐसी कोई चीज़ चाहिए थी जो थोड़ी स्लीक हो और विड्थ वाइज ज़्यादा हो ताकि लुक इन्हेंस कर सकें। तो मुझे ये चीज़ पसंद आई जब मैं मार्केट गया इसको बॉटअप करने के लिए, तो आई हैड यूज दिस। अगर आप यहाँ देखें तो दिस इज़ अ 6 सीटर डाइनिंग टेबल। 6 सीटर डाइनिंग टेबल का जो टॉप है, अगेन दिस इज़ अ इटालियन मार्बल विद एपॉक्सी पॉलिश एंड पॉलिस्टर पॉलिश डाइनिंग टॉप। अगर आपने देखा हो तो मैंने डाइनिंग टेबल को डुअल कलर में बनाया है, डाइनिंग टेबल और डाइनिंग चेयर्स दोनों को। डाइनिंग चेयर के अंदर आई हैड यूज दिस लाइट कलर विच इज़ लाइक गोइंग अ गुड कॉम्बिनेशन विद द सोफ़ा। द सोफ़ा फैब्रिक का इसका सेम है, और बिहाइंड इसके बैक के ऊपर मैंने एक डिज़ाइन और किया पूरा का पूरा, ताकि इसका ब्रेक हो जाए। जो स्ट्रेट पैटर्न था इसको ब्रेक करने के लिए वी हैड मेक दिस पर्टिकुलर डिज़ाइन। ये घर की एंट्रेंस है। अब एंट्रेंस पे क्या होता है, वी आर कमिंग फ्रॉम अ मॉर्निंग वॉक, हम सुबह सुबह आ रहे हैं, या हमारे घर कुछ इस टाइप के लोग आ रहे हैं जिनका 1-2 मिनट का काम है, तो वी हैड मेक दिस पर्टिकुलर थिंग। दिस इज अ सिटिंग एरिया, यहाँ पे हम बैठ सकते हैं आराम से। सिटिंग एरिया के साथ में वी हैड मेड स्टोरेज ड्रॉज हो इन हेयर। अगर आप यहाँ देखें, वी हैड पुट अ मार्बल।
ये बेसिकली एरिया हमने ब्लैंक छोड़ा। ब्लैंक छोड़ने का रीज़न ये था कि अब हम एकदम से कुछ लेके आते हैं और हमें छोटा सा पार्ट है उसको रखना है, तो वी हैड मेड दिस पर्टिकुलर थिंग इन अ पर्पस इन माइंड कि हम कुछ चीज़ लेके आए, पॉलिथिन वगैरह हमने यहाँ रखा, उसके बाद वी आर एंटरिंग द हाउस, कुछ भी चीज़ हम हैसली अंदर लेके आ सकें, बल्कि ना हो जाए, वरना होता कि हम लोग बल्कि बल्कि चीज़ें ला के अपने फर्नीचर आइटम्स के ऊपर रख देते हैं। और यहाँ पे इसके साथ अटैच्ड एक बेडरूम है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिस इज अ 5 फीट वार्डरोब, ठीक है, और ये थोड़ा सा साइज का कंसर्न था इस पर्टिकुलर बेडरूम में, तो वी हैड यूज अ सिंगल साइड टेबल, वी हैडंट यूज अ साइड टेबल ओवर देयर इफ यू कैन सी, एंड नाउ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट डिजाइन विच आई हैड मेड। दिस इज़ अ कम्प्लीट वुडन पैनल, वुडन पैनल के ऊपर हमने PU पॉलिश करी, PU पॉलिश के साथ हमने ये वाला वर्क करा अपना जो रोज गोल्ड कलर के अंदर वर्क आ रहा है। और इस पर्टिकुलर रूम के साथ में बालकनी अटैच है यहाँ से अगर आप देखेंगे, और बालकनी के अंदर जाने का यहाँ से रास्ता है। दिस इज द बालकनी। आइए यहाँ से अगर आप देखें तो दिस इज़ LCD पैनल, कंप्लीट बिग वॉल LCD पैनल। इस LCD पैनल में अगर आप देखें तो वी हैव यूज फोर कलर्स। फोर कलर्स का रीज़न ये था, द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर रूम इज़ अ यंग बॉय, उनका टेस्ट ये था कि आई वॉन्ट समथिंग कलरफुल एज वेल एज अ डिसेंट कलर, मतलब बहुत ज़्यादा गॉडी भी नहीं चाहिए बल्कि बिल्कुल प्लेन भी नहीं चाहिए। तो वट आई हैड एन आइडिया इज आई हैड यूज दीज वुडन लूवर्स, ये बनवाए गए हैं, ऑन साइड बनाए गए हैं, वाइट कलर के अंदर इनको PU कराया गया है। इसके साथ में अगर आप देखें, दिस इज द मार्बल लुक शीट विच हैड यूज। इसके साथ हमने यहाँ पे दिस इज अ वीनियर डिज़ाइन, वीनियर के ऊपर हमने मैट पॉलिश करी। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये पहले वाइट आया, वाइट के साथ ग्रे मार्बल आया, अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर वॉल वी हैड पेंटेड दिस इन अ ग्रे कलर। और ये इस रूम का पूरा एम्बियंस था। अगर आप ध्यान से देखें तो इस रूम के अंदर जो बेड है, द बेड कलर इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्लैक, नॉट कम्प्लीटली ग्रे, दिस इज अ ग्रीनिश काइंड ऑफ ब्लैक। इस पर्टिकुलर रूम के कलर को भी चूज़ करने का एक रीज़न था, क्योंकि ज़्यादा ब्लैक में ज़्यादा हो रहा था और ग्रे तो लग रहा था कि यह सभी करते हैं आजकल, तो इस वाले रूम के जो ओनर थे उनका टेस्ट ही ऐसा था कि कुछ अलग चाहिए हमें। इस रूम के साथ एक वॉशरूम अटैच है, आइए मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। दिस इज़ अ कम्प्लीट वॉशरूम, अगर आप देखें, वी हैड मेक अ बिग वैनिटी ओवर हियर, ये काफ़ी बड़ा साइज है वैनिटी का, वैनिटी के हिसाब से मिरर बहुत बड़ा आया, मिरर की लुक बहुत इन्हेंस हो जाती है बड़े साइज़ के अंदर। यू कैन सी वी हैड मेड दिस ब्लैक वॉशरूम, ब्लैक कलर बहुत डार्क हो जाता है, उसको हमने ब्रेक करने के लिए वी हैड यूज अ वुडन टाइल्स इन द फ्लोर। फ्लोरिंग के ऊपर वुडन टाइल्स देखने के बाद अगर आप यहाँ आए, जो मेरा बेदिंग एरिया है, इफ़ यू कैन सी इन अ डिटेल, मैंने जो ये आइटम्स भी यूज़ करी हैं, जो हमारे हेल्थ सॉफ्ट फॉसेट्स हैं, हमारे डाइवर्टर्स हैं, इनका भी जो कलर है दैट इज़ लाइक इन्हेंसिंग द कलर्स ऑफ द टाइल्स। नॉर्मली सिल्वर यूज़ करते हैं बट वी आर यूजिंग, इफ़ यू कैन सी द टाइल, ब्लैक के साथ में कॉपर कलर है, तो उसके साथ मैंने ये वाला रोज गोल्ड कलर यूज़ किया जो जैगवार के साथ कंपनी से यूज़ किया है। इस वॉशरूम के साथ में ही वी हैव अ वॉक इन क्लोजेट ओवर हियर, मैं आपको वॉक इन क्लोजेट दिखाता हूँ। दिस इज़ अ वॉक इन क्लोजेट, वॉक इन क्लोजेट में वी हैव 6 feet ऑफ वार्डरोब, सो 6 feet का वार्डरोब इज मोर देन अनफ, 6 feet बाय 9 feet के वार्डरोब्स हैं। वी हैड ब्रेक इट इन टू 2 parts, 3 feet का ये एरिया है और 3 feet का ये एरिया है। इफ़ यू कैन सी वी हैड यूज अ मिरर इन दिस एज वेल, क्योंकि एरिया छोटा था और एरिया छोटा होने की वजह से ज़्यादा छोटा दिखे ना, हमको बल्क ना लगे, ऐसा ना लगे कि हेड बॉम्बिंग हो रही है, तो हमने इसके ऊपर ग्लास यूज करा। आइए अब इस बेडरूम के साथ मैं आपको बाकी घर के साथ लेके चलता हूँ। नाउ आई विल शो यू वन मोर बेडरूम, प्लीज। तो मैं यहाँ पे आपको बेडरूम दिखाता हूँ। दिस इज LCD पैनल, LCD पैनल के साथ आपने देखा हो तो वी हैड ऊपर, हमने यहाँ पे एक स्टोरेज कैबिनेट बनाया, वहाँ पे वो अपनी ट्रॉफीज या इस तरीके से कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं। अभी ऑल दो मैंने जैसे बताया अभी वो शिफ्ट नहीं हुए हैं, तो अभी वो चीज़ें आई नहीं हैं, इस जैसे वजह से एरिया को ब्लैंक छोड़ा गया है। अलॉन्ग विद दिस वी हैड यूज अ स्टोरेज वैनिटी, स्टोरेज कंसोल ओवर दिस पर्टिकुलर एरिया। टॉप पे हमने मार्बल यूज़ किया है, ये LCD पैनल वाली स्टोरेज है इसके अंदर। वी हैड यूज 2 drawers और 2 shutters, साइड्स में अगर आप देखें तो शटर्स होगा।
ये हमारा पिलर के साथ वाला एरिया है विच वॉज वेरी ब्लैंक, मुझे बहुत खाली लग रहा था। हमने काफ़ी काम इसके ऊपर करा, पहले हम वासेस रख रहे थे बट वो भी कुछ लग नहीं रहा था, और स्टोरेज का थोड़ा सा कंसर्न था क्लाइंट को, उनका मन था स्टोरेज ज़्यादा होनी चाहिए, तो वी हैड मेड अ स्टोरेज कैबिनेट ओवर हियर अगेन, क्योंकि इस रूम के अंदर उनको मार्बल का शौक है पूरा, तो हमने इसके टॉप पे भी मार्बल यूज़ किया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस अ कंप्लीट बेड वॉल। अब इस रूम की प्रॉब्लम ये थी कि सर के रूम के अंदर ड्रेसिंग यूनिट नहीं था, अब ड्रेसिंग यूनिट के बिना घर की लेडीज़ को थोड़ा सा कंसर्न रहता है, तो वी हैड मेक दिस इज अ 6 feet मिरर, यू कैन सी इन द वॉल, 6 feet मिरर के साथ में वी हैड यूज दीज लैम्प्स क्योंकि फेस के ऊपर लाइटिंग अच्छी आती है, और साइड टेबल नीचे है स्टोरेज के लिए। अब इस वॉल को अगर आप देखें तो दिस पर्टिकुलर वॉल इज हैड अ लॉट ऑफ वर्क इन दिस, इस पर्टिकुलर वॉल के अंदर वी हैड यूज्ड एक्रेलिक्स, वी हैड यूज्ड ग्लास, वी हैड यूज्ड स्टील, वी हैड यूज्ड ब्रास, तो वी हैड यूज्ड मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तो देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिहाइंड दिस। यू कैन सी द डिज़ाइन ऑफ अ बेड, दिस इज कम्प्लीट लेदर, प्योर लेदर इस पर लगा हुआ है। एंड इस रूम का जो बहुत अच्छा पार्ट मुझे लगता है वो लगता है ये वार्डरोब। इस वार्डरोब के अंदर यू कैन सी दिस, देयर इज अ नो आउटर हैंडल इन दिस, नो हैंडल इज कमिंग इन दिस, ये पूरा हैंडल फ्रेम हमने बना के दिया है इस तरीके से पूरा। दिस इज अगेन अ पीयू, कम्प्लीटली पीयू हाई ग्लॉस पॉलिश, और इसमें सेंसर लगा हुआ है, जब भी हम ओपन करते हैं इसके अंदर लाइट चल जाती है। इसी तरीके से सारी वार्डरोब्स के अंदर हमारे सेंसर लगे हुए हैं। एंड अगर इस रूम के साथ हम देखें तो वी हैव अ यूटिलिटी बालकनी इन द रूम, यूटिलिटी बालकनी का पैसेज है, मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ से हमारा रास्ता यूटिलिटी बालकनी की तरफ जाता है, थोड़ा सा डर्टी है ये अभी, लेकिन क्लियर हो जाएगा, इसके ऊपर बिल्कुल लाश के अंदर है। ये यूटिलिटी बालकनी है, यहाँ पे हमारा वॉशिंग एरिया बन जाएगा, वॉशिंग मशीन लग जाएगी। अगर आपको यहाँ से एरिया दिख रहा हो तो ये एरिया हमने अलग से बनाया है जहाँ पे एसी के सारे कंप्रेसर्स लग जाएँ, मेजर प्रॉब्लम रहती है एसी कंप्रेसर्स की, क्योंकि यहाँ तो अब गीज़र्स भी हम वॉशरूम्स में नहीं देते, गीज़र्स भी हमारे यूटिलिटी बालकनीज पे आ रहे हैं, वॉशरूम में कोई गीज़र नहीं है, तो एसी कंप्रेसर बहुत इशू हो रहा था, तो हमने ये एसी कंप्रेसर्स पूरे के पूरे यहाँ करवाए। और ये यूटिलिटी बालकनी 2 bedrooms के साथ कनेक्ट है। इस रूम के साथ में एक वॉशरूम भी है, मैं आपको दूसरे बेडरूम में जाने से पहले वो वॉशरूम दिखा देता हूँ। दिस इज़ द वॉशरूम, अगर आप देखें यहाँ पे वी हैड यूज टाइल्स, दिस इज़ अ स्टोन लुक टाइल्स, और अगेन देखें तो दिस इज़ अ वैनिटी जो हमने यूज़ किया है, और इस वैनिटी के साथ में जो आपका शावर एरिया है वो उस साइड है। शावर एरिया विट वी हैड यूज इज अ कम्प्लीटली ग्लास, क्योंकि पानी वगैरह सारा आ जाता है, तो वी हैड मेड अ डाइवर्जन कि उसके बीच में ग्लास आ जाए, ताकि अगर वहाँ से हम आते भी हैं तो वॉशरूम कम से कम गीला हो, इस तरीके से है। अब एक बेडरूम और है जो मैं आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज अ मास्टर बेडरूम, अगर आप देखें वी गॉट स्पेस इन दिस पर्टिकुलर थिंग रूम, और रूम में तो स्पेसेस मिले नहीं, तो वी हैड प्लेस्ड 2 chairs यहाँ पे। ये कलर थीम जो रूम की थी दैट वाज ग्रे एंड वाइट एंड बेज एंड वुडन, सो मुझे लगा यार एक कलर और ले लेते हैं जब इतने सारे कलर हैं, तो वी हैड यूज्ड अ येलो कलर चेयर। इसके साथ अगर आप देखें, इफ यू कैन सी दिस अ बिग अ वेरी बिग कंसोल कैबिनेट ओवर हियर फॉर अ बिगर स्टोरेज पर्पसेस। इसको हाईलाइट करते के साथ में हमने वॉल हाईलाइट करी, दिस इज अ वॉलपेपर जैसे मैंने आपको बताया, बट वॉलपेपर हमने जो यूज़ करे दैट इज़ डी डिकॉर एंड एशियन मिलाया जो हमने यूज़ करे हैं। इस पर्टिकुलर कंसोल जो है इसके साथ में वी हैव अ बिग वार्डरोब ओवर हियर, दिस पर्टिकुलर थिंग इज 8 feet वार्डरोब यहाँ पे जो लगाया गया है। और जैसे हमारी पिछले रूम के अंदर बात हो रही थी कि दिस पर्टिकुलर रूम जो है इसके अंदर जो लेडी हैं उनके साथ भी हमें थोड़ा ड्रेसिंग का कंसर्न आ रहा था, बट शी लाइक्ड अवर आइडिया कि उनको वॉल के ऊपर मिरर अगर हम दे दें, तो दिस इज़ अगेन अ 6 feet बिग मिरर। साइड टेबल्स ही हमने दी हैं स्टोरेज के लिए, अलग से बनाया नहीं क्योंकि स्टोरेज और स्पेसेस की थोड़े से कंसर्न थे। और इसके साथ में एक वॉशरूम है इस रूम में, आइए मैं आपको रूम का वॉशरूम दिखाता हूँ। दिस इज़ अ वॉशरूम, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वॉशरूम के साथ में सबसे बड़ा हमारे को स्पेस मिला है यहाँ पे। अगर आप देखें दिस इज़ द वैनिटी जो बनाई है हमने, अगेन दिस इज़ द मार्बल, मार्बल टॉप आ जाएगा इसके ऊपर। और इसके साथ साथ दिस इज़ द बेथिंग एरिया,
बेथिंग एरिया के अंदर हमने, दिस इज अ बिग साइज बेथिंग एरिया, दिस एरिया इज 4 feet by 6 feet, 4 by 6 का बेथिंग एरिया इज सफिशेंट ना। यहाँ पे जो हमने शावर यूज़ किया है, दिस इज़ अ मल्टी कलर शावर, जब भी इसमें गर्म पानी आता है तो थोड़ा सा गर्म आ जाता है, जब ठंडा आता है तो इसके कलर चेंज हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर वॉल को देखें आप, इफ़ यू कैन सी, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको वॉल्स के बारे में नहीं बताया इस रूम के। दिस इज़ अ स्टाइल, दिस इज़ अ स्टाइल पैटर्न विच आई पर्सनली लाइक द मोस्ट, क्योंकि ये जो हमने चेयर्स यूज़ करी इसके साथ बहुत हाईलाइट कर रहा है कलर। दिस पर्टिकुलर थिंग विच वी हैड मेड ऑन अ साइट, ये ऑन साइट ही बना है। प्रोडक्ट्स बहुत सारे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स इस पर्टिकुलर थिंग के लिए यूज़ हुए हैं, क्योंकि सबसे मेजर प्रॉब्लम तो एसी का था, एसी का ड्रेन भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो दिस इज अ स्टेटमेंट वॉल विच आई बिलीव इज अ थिंग। और इफ़ यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज अ सतवारियो स्टाइल इम्पोर्टेड शीट विच वी आई हैड यूज इन अ वॉल यहाँ पे। अब जब ये पूरा बन गया तो उसके बनने के बाद हमें ऐसा लगा कि यार ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो आई वी हैड ब्रेक द पैटर्न, यू कैन सी द पैटर्न इज ब्रेक इन द पीसेस, तो आई हैड डन दिस पर्टिकुलर ब्रिक स्टाइल पैटर्न वर्क इन द वॉल। और इस पर्टिकुलर रूम के साथ भी यूटिलिटी बालकनी कनेक्ट होती है, मैं आपको एक बार यूटिलिटी बालकनी दिखाता हूँ, प्लीज कम अगेन। ये वही यूटिलिटी बालकनी है जो पहले वाले बेडरूम के साथ कनेक्टेड थी और इस रूम के साथ भी कनेक्टेड है, टू साइड एंट्री है इसकी। अब हमारा जो चीज़ रह गया, द थिंग वी लेफ्ट इज़ द मेन हार्ट ऑफ द हाउस कहते हैं किचन को, आइए मैं आपको किचन दिखाता हूँ। सो दिस इज़ माई किचन, और किचन के अंदर इफ़ यू हैव सीन, यू कैन सी हमने क्वार्ट्स मार्बल यूज़ किया है यहाँ पे। क्वार्ट्स मार्बल कहते हैं, बहुत हार्ड होता है और सचमुच में होता भी है, वी हैड टेस्टेड इट, इसमें ऑयल वगैरह जाने की दिक्कत नहीं होती। एंड कंप्लीट पूरा किचन है, इसके साथ में हमने कैफ की चिमनी और हॉब्स यूज़ करें, विच इज़ अ कम्प्लीटली ऑटोमेटेड थिंग। अगर आप यहाँ पे देखें तो वी हैव यूज़ इन बिल्ट माइक्रोवेव एंड अवन इन द किचन, और अ बिग साइज डबल डोर फ्रिज। और पूरा का पूरा अगर आप देखें तो ये कंप्लीट हाई ग्लॉस के अंदर किचन है, टॉप कैबिनेट्स जितने भी हैं। हमने कैबिनेट्स के साथ में वॉल लाइटनिंग के लिए नीचे लाइटनिंग भी दी है इसकी। आई होप यू लाइक माई वर्क। अगर आपको मेरे वर्क के लिए कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरीके का, प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं शिवम मनचंदा, लेटेस्ट इंटीरियर्स, थैंक यू सो मच।